दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको पॉर्चुला के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि विंटर में ये सब एक तरीके से डेड हो जाती हैं, इनमें कोई फ्लावर नहीं आते हैं, सूख जाती हैं इनकी ब्रांचेस, तो इस तरीके से फरवरी अभी चल रहा है तो फरवरी के एंड तक मार्च में इनमें फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। और ये अपने आप ही आप देख सकते हैं कि मेरी जो मॉइस्चराइज़ है, दोपहर घड़ी है, पॉर्चुला फ्लावर है, ये कैसी ग्रीन ग्रीन हो गई हैं। और जब विंटर था तब ये किस तरीके की सूखी हुई मुरझाई हुई हो गई थी, ये देख सकते हैं। तो आप इनसे अनेक तरह की कटिंग भी बना सकते हैं। इनकी कटिंग अलग अलग आप इस समय अभी लगा सकते हैं, जिससे कि एक अच्छी तरीके से चल जाएंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लावर देंगी। आप सब जानते हैं कि गर्मियों में अपने जो गार्डन होता है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर पॉर्चुला के खिलते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें ये काम करें जिससे कि ये काफ़ी अच्छी आपके गार्डन में लगेंगे फ्लावर इनके। ये देख सकते हैं आप मेरे जो पॉर्चुला है इसमें देखिए फ्लावर भी खिला हुआ है पिंक कलर का, और अभी इसमें फ्लावर खिलना भी शुरू हो चुके हैं, मेरे वाले में तो आ गए हैं। तो आप इस तरीके से करें और देखिए कितनी अच्छी हो गई है ये। कई ब्रांचेस इनकी सूखी हुई थी पहले जो विंटर में, तो इनको आप इस तरीके से हटा सकते हैं। जैसे ये सूख गई हैं तो इन्हें आप हटा दें, ये देख सकते हैं। ये देखिए एक मैंने ऑयल कैनी में लगाई थी जो भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो गई है और चलने योग्य हो चुकी है। ये वॉन्डरिंग जू की मैंने इसमें कटिंग लगाई थी जो भी चल रही है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें भी अभी थोड़े टाइम में फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने टर्टल वाइन की कटिंग लगाई थी जो कि देख सकते हैं आप, अब गर्मियां आने लग गई हैं तो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी अपन को लगेगी, इसलिए आप टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट, पॉर्चुला इस तरीके के अपने गार्डन में लगाएं जो कि आपको अच्छी सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देंगे, ये देख सकते हैं आप फूल। कुछ मेरे यहाँ पर अभी विंटर के जो फ्लावर हैं, क्लंजू का फ्लावर, वो काफ़ी अच्छा खिल रहा है। ये फ्लावर काफ़ी बेस्ट फ्लावर रहता है, ये पूरे विंटर और अभी समर में भी परमानेंट रहेगा, और इसमें फ्लावर बट विंटर में ही आएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये अलग अलग कलर में मिल जाता है। और मैं अपने रोज़ बताती हूँ आपको जो रोज़ मेरे गार्डन में अभी खिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पिंकिश रोज़ हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने ज़मीन पे लगा रखा है, ज़मीन में अगर अपन गुलाब लगाते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर होता है, तो आप देख सकते हैं।